नमस्कार दोस्तों। हेलो, नमस्ते। तो सब लोग कैसे हो? मैं तो बहुत दिन बाद आ रही हूँ। हाँ, आज तो इन तो मतलब कई दिनों बाद आ रही है। वैसे तो ये बिग बॉस की ये भी फैन है मेरे साथ साथ तो जनरली हम दोनों साथ में मिलके देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं भाई कौन सा मुद्दा है जो असली में बोलने लायक है यूट्यूब पे फिर तो हम उस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन आज इंदु कह रही है भाई इसको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और इसको लग रहा है कि भाई एक जो मेरे विचार है उससे अलग विचार है इसके। हाँ। तो ये अपनी बात कहेगी, मैं अपनी कहूंगा। आप कमेंट में बताने कि भाई कौन सही बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ या ये सही बोल रही है। हाँ, वैसे दोनों भी सही हो सकते हैं इन अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वो भी हो सकता है। हाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो जैसे बिग बॉस ने निमृत को और प्रियंका को दोनों आपस में जो दुश्मन है एक दूसरे के, बिल्कुल उन दोनों को साथ उसमें बुलाया अपने कॉन्फ्रेंस रूम में। तो और उसने बताया कि भाई शालिन थोड़े दिन पहले तो क्या नाम है सुम्बुल को बचाने, बिग बॉस ने बताया कि वो थोड़े दिन पहले तो सुम्बुल को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ। और अभी वो कह रहा है कि सुम्बुल को निकालो निकालो। तो मतलब क्या बिग बॉस क्या बताना चाहते हैं कि शालिन का डबल स्टैंडर्ड है कि वो चाहता है कि टीना निकल जाए। हाँ, तो और सुम्बुल घर में रहे। हाँ, रुक जाए। तो ऐसा हमें लगा बिकॉज़ शी इज अ वीक पॉइंट या कुछ भी। हाँ, तो हमें भी ऐसा लगा कि तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई हाँ, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई बिग बॉस यही चाहता है। बट मेरे को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि टीना रहनी चाहिए। आई थिंक टीना का शो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप देखोगे तो भाई अपने मुद्दे भी या कोई झगड़ा भी हो कुछ भी थोड़ा बहुत जो करती है, मतलब वो शालिन के साथ झगड़ा करती है, प्रियंका के साथ बातचीत करती है जो थोड़ा बहुत अभी करने लगी है, या किसी के लिए खाना बना दिया, वो सब मेरे को लग रहा है एज कम्पेयर टू सुम्बुल की टीना का ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि टीना शुड बी इन द हाउस एज कम्पेयर टू सुम्बुल। सुम्बुल का इतना कंट्रीब्यूशन जो सुम्बुल को जनरली जो मैंने देखा है जो टीवी पे दिखाते हैं तो वो यही दिखाते हैं कि भाई या तो वो भाई उन लोगों के लिए खाना बना रही होती है या फिर साजिद के ताने सुन रही होती है तो मुझे तो भाई ये लगता है कि सुम्बुल के साथ थोड़ा अनफेयर हो रहा, बट शी इज पार्ट ऑफ ग्रुप के, उसको पता है ऐसे ही वो आगे जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि सुम्बुल बेटर है टीना से। मतलब शी इज नॉट अ डबल साइडेड गर्ल। वो जैसी है वैसी है। और एक रियलिटी शो है तो हम चाहते हैं कि जैसे वो आप वैसे ही अपने आप को दिखाओ। टीना मुझे लगती है कभी उसके माइंड में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है और जुबान पे तो कुछ और ही होता है। स्पेशली शालिन के प्रति मुझे लगता है दिन के 24 घंटों में हमें तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही दिखाए थे पर वो 5 बार तो उसे चिल्ला देती है, 2 मिनट वो बैठते हैं, वो लोग फाइटिंग कर लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या बात हुई। एंड मुझे लगता है सुम्बुल भी अपनी चीज के लिए लड़ती है। जैसे वो एक टास्क था ना, वो मंडी में जाना था तो विकास से पूरा लड़ी कि भाई मैं ही जाती हूँ। आखिर में तो कोई ना जा पाया, उसकी वजह से बेचारी श्रीता भी नहीं जा पाई, बट एटलीस्ट वो अपने लड़ी पॉइंट के लिए लड़ी। तो और मुझे कई बार लगता है कि वो साजिद भी कभी कभी उसको जब छेड़ता है या कोई भी ताने देता है ना तो वो मतलब जवाब देती है आजकल, पहले तो नहीं देती थी मुझे लगता है, बट आजकल तो देती है। और वो जैसी है मतलब जैसी रहती है, जैसे कपड़े पहनती है, जैसे बातें करती है ना, इट्स हर नेचुरल। जैसे वो घर में हो या बाहर हो बिग बॉस के, वैसे ही है जो मुझे लगता है। टीना एक ऐसा लगता है कुछ पहन के आई है। बात सही है। देखो इट्स रियलिटी शो, ऐसी बात नहीं है कि रियलिटी शो नहीं है। सुम्बुल का अलग है, लेकिन थोड़ा तो यार आपको जैसे जब देखो मेरे को क्या लग रहा है सुम्बुल का जब इन्वॉल्वमेंट जब आता है ना, जब कोई टास्क होती है कुछ होता है तब वो बोल रही है मतलब। लेकिन टीना थोड़ा बहुत बिना रीजन के भी जैसे भाई कुछ किचन में हो रहा है उसमें भी मुद्दे बना लेती है। तो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि वो शायद मेरे को लगा सुम्बुल का वो पार्ट नहीं है। तो मुद्दा क्यों बनाना है जब आपके पास मुद्दे को बनाने की क्या जरूरत है? घर में शांति भी तो बनी रह सकती है, हर टाइम झगड़ा थोड़ी जरूरी होता है यार। देखो और लोग यही मसाला देखने के लिए तो बिग बॉस देखते हैं। कोई शांत देखे, देखो जब अर्चना चली गई तो पूरा घर शांत हो गया था, तो कोई उसके लिए तो मेरे को लगे ना कि बिग बॉस देख रहा है कि हाँ भाई ऐसा तो कुछ है नहीं ना। हाँ, वो तो मैं समझ गई हूँ, बट जैसे वो टीना जैसे करती है स्टैना, मुझे इतना वो फेक लगता है कि लुक्स की आप बस शुगर कोटेड हो, आप दिल से उसको नहीं मानते हो स्टैना को दोस्त या किसी को भी दोस्त। जिस तरह वो जो एक पेट आया था घर पे अभी जो आ रहा है इस हफ्ते, मुझे सॉरी याद नहीं है नाम, लेकिन उसके साथ भी वो पता नहीं क्या बातें कर रही है मतलब क्योंकि वो नॉमिनेटेड है तो वो कैमरा को दिखाना चाहती है कि भाई मैं इतनी दुखी हूँ, मैं वो हूँ। और वो पार्टी में सडनली शालिन को कुछ कान में जाके बोलती है तो तो मतलब वो बस कैसे भी बचना चाहती है। वो यहाँ लव का वो स्टार्ट करना चाहती है जो भी है। और मुझे लगता है सुम्बुल एटलीस्ट वो नेचुरली जैसी है वैसी है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और वो कोई मतलब उसको कोई ओवर कोटेड या कुछ दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, अपने आप को जैसी हूँ वैसी मैं रहूंगी। देखो सुम्बुल जैसी है वैसा नहीं दिखाती, इस बात के लिए तो मैं भी बहस कर सकता हूँ, क्योंकि सुम्बुल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शालिनी की दोस्त या कुछ करना चाहती है, बट वो उसकी मंडली के चक्कर में, उसके ग्रुप के चक्कर में वो नहीं कर पाती है। हाँ वो क्योंकि उसके फादर ने भी उसे समझाया था कि भाई तुम भाई 18 साल की हो, एक 40 साल के बंदे से क्यों बात करोगी तुम और क्यों दोस्ती बढ़ाना चाहोगे उससे। तो बस वो कंफ्यूज है एज अ टीनेजर कि भाई मैं कहाँ किससे क्या बात करूँ। तो उसे लगता है कि यार हाँ उससे भी अपना गेम खेलना है, वो तो फर्स्ट श्योर है सबको गेम खेलना है, तभी वो लोग इतने हफ्ते तक वहाँ पहुँच पाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि सुम्बुल कभी चेंज नहीं करती अपने आप को, नहीं करती। चलो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी बहस है, तो और भी हम कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये सही है, मैं सही हूँ या हुई बेस्ट टीना और सुम्बुल में से। तो नीचे जो ज्यादा जिसके नाम आएंगे हमें लगेगा कि वो ज्यादा फेवरेट है, तो बताना हमें कि भाई क्या करेक्ट है, क्या एंगल मतलब मेरा देखने का एंगल गलत है या इसका गलत है। तो आप जो बताएंगे वो ठीक रहेगा, ताकि नहीं तो हम लोगों को तो ऐसे ये अपना फेवरेट बोलेंगे, मैं अपना बोलूंगा और ये बहस चलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारे कमेंट्स रिलेटेड टू बिग बॉस या कोई और रियलिटी शो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।